हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने बालों को किस तरीके से मेकओवर करा सकते हैं, अपने हेयर्स का, और किस तरीके से कराना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो क्लाइंट के बालों की कंडीशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो ये आया है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग इनके बाल जो हैं वो लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो रियल कंडीशन है बालों की वो ये है, और इनको कलर चेंज कराना है अपने बालों में, और वो भी ग्लोबल में। तो सबसे पहले हम लोगों को इनके बालों का पार्टीशन बना लेना है, और हम लोग किस तरीके से करेंगे बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी। तो हम लोगों ने जो कलर पिक किया है वो है 8.32। तो ये जो है कलर है ये लाइट कलर है, मतलब आप हमें ब्लोंड करना है बालों को, जिसको कट डाउन बोलते हैं। तो ये शेड हमने लिया है, और इसके साथ में लिया है हमने 40 वॉल्यूम, और उसके साथ हम इनके बालों को कट डाउन करेंगे, मतलब कि इनके बालों से जो कलर है इनका उसको उतारेंगे हल्का सा, ताकि जो हम कलर इनके बालों को दें वो काफ़ी अच्छे से विजिबल हो। क्योंकि जो कलर हम लोगों ने सोचा है देने का वो थोड़ा डार्क कलर है, मतलब वो डार्क बर्गंडी कलर है। तो उस कलर को इनके बालों पर लाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इनके बालों को लाइट शेड में लेकर जाना होगा, जिसकी वजह से हमने इनके बालों को ब्लोंड किया है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं, सभी बालों पे हम लोगों को जो है वो इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। हम यहाँ पर क्रीम का ही काम कर रहे हैं, हम यहाँ ब्लोंडर पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि बाल ना ब्लोंडर पाउडर से बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं। और अब हम लोग जो कलर करते हैं वो ज़्यादातर ट्यूब वाला काम जो करें तो उससे ज़्यादा सही है, उससे बाल जो है वो कम हार्म होता है। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तो कट डाउन नहीं हो पाएगा, बट हाँ जितना भी होगा उसमें इनके बालों पे हमें जो एप्लीकेशन करनी है वो आ जाएगी, और बहुत प्यारे इनके बाल लगेंगे। तो रूट से थोड़ा थोड़ा छोड़कर हमें लगाना है, रूट पे टच नहीं करना है, क्योंकि ये 40 वॉल्यूम है तो इसको हमें रूट पर टच बिल्कुल नहीं होने देना है। थोड़ा सा रूट से बचाकर तब हम लगाएंगे, और उसके बाद जो रूट के बाल हैं उन पर हम लोगों को बाद में लगाना है, वो हम 20 वॉल्यूम के साथ में लगाएंगे, ताकि जो है वो इनके बालों को हम रूट से लेके और एंड तक बहुत अच्छे से जो है वो ब्लोंड कर पाए। तो इस तरीके से देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें हेयर्स का काम करना पड़ता है, और मैं आप लोगों को बता दूं हेयर्स का काम करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। हमें ये लगता है कि यार कलर ही तो चढ़ाना है तो एकदम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो देखिए इनके पूरे बालों में जो है वो हम लोगों ने एप्लीकेशन कर दी है। अब हम इनके बालों को जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट शावर कैप में रैप कर देंगे, ताकि हीट बने, और हीट बनने से इनके बालों का कलर जो है वो बहुत आसानी से उतरे। तो देखिए इस तरीके से इनके बालों में जो है वो हम लोगों ने शावर कैप लगा दिया था। शावर कैप लगाने के कम से कम 30 से 35 मिनट बाद हम लोगों ने जब वो शावर कैप हटाया तो उसके बाद इनके बालों का जो कलर हमें चाहिए था वो कलर आ चुका था, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो ये लाइट पर नहीं गए, बट जितना हमें चाहिए था उतना आ गया था। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इनके बालों को सुखा लेना है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कलर पिक किया है वो है 5.66, जो बहुत ही अच्छा शेड है, और 06, ये दोनों कलर हम लोगों को मिक्स करने हैं, और उसके बाद इनको जो है वो 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके इनके बालों में एप्लीकेशन करनी है। ये दोनों ही कलर डार्क शेड में है, मतलब कि बर्गंडी शेड में आएंगे, मतलब रेड कलर है एक तरीके का, बट रेड पूरी तरीके से नहीं दिखेगा। बट जो फाइनल रिजल्ट आया था वो बहुत ही प्यारा आया था, जैसा हमारी क्लाइंट को चाहिए था वैसे ही आया था। उनको थोड़ा सा और रेड दिखाना था, बट इतना रेड तो खैर नहीं आ पाया, क्योंकि उसके लिए अगर इनका बाल और थोड़ा सा कलर और उतर जाता बालों का तो बहुत अच्छे से वो भी विजिबल हो सकता था, बट नहीं उतरा। काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने देखा भी, हीट भी दी बालों को, लेकिन फिर भी नहीं उतरा। तो बट हमने इन्हीं बालों के ऊपर जो है वो ये वाला काम कर दिया। तो देखिए आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यही आती है कि कभी कभी क्या होता है बालों पर कलर चढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी कलर उतारने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा बाल मेहंदी लगा हुआ होगा या किस कोई और केमिकल हमने अपने बालों में किया हुआ है, तो हमारे बालों से कलर उतरना और कलर चढ़ना दोनों ही जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए हम लोग छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं, और इसको हम रूट से कर रहे हैं, क्योंकि रूट से टच करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट से ही आराम से हो सकता है, क्योंकि जो है वो 20 वॉल्यूम है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों को बहुत अच्छे से बहुत ही फाइन एप्लीकेशन करनी है, और आप देखिएगा फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये पूरे बालों पर करने के बाद हमें 40 से 45 मिनट रोकना है, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कलर अभी नहीं आया तो आप बीच बीच में जो है वो टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो होती है 2 से 3-4 घंटे की, और आपको मिलती है ओनली 4-5-6 मिनट या 10 मिनट्स की। तो बीच में से हमें काफ़ी कुछ कट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ फास्ट करना पड़ता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है वो नॉलेज दूँ, ताकि आप अगर अपने पार्लर में काम करें तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, या अगर आप अभी सीख ही रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इनके ऑल ओवर हेयर में कर दिया है ये काम,
और अब इसके बाद भी हम लोगों को इनके बालों को कम से कम 40 से 45 मिनट अब रोक के रखना है इस कलर को, और बीच बीच में चेक करते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके बाद हम बालों को वॉश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं लगी, तो हम लोगों ने जो है वो वॉश करने के लिए बालों को रेडी कर लिया है। तो अब हम इनको वॉश करेंगे। हम अगर केमिकल कर रहे हैं किसी के बालों में तो आपको उस टाइम पर जो है वो हेयर मास्क लगाना चाहिए, ताकि अच्छे से बाल जो है वो अगर कोई डैमेज भी हुआ है तो वो रिपेयर हो जाए बहुत अच्छे से। तो देखिए हम लोगों ने इनके बालों को वॉश कर लिया, कंडीशनर भी लगा दिया, या मास्क अगर हमने लगाया तो मास्क भी लगा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं अब हम इनके बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए भी नॉर्मल आप लोगों को बालों को ड्राई करना है। उसके बाद हमारे क्लाइंट से हमने पूछा था कि आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए या कर्ल हेयर चाहिए, तो उनको कर्ल हेयर चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका पार्लर कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा पार्लर है मुरादाबाद आशियाना फेस वन में। तो अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो बिल्कुल पार्लर पर विजिट कर सकते हैं। पार्लर का नाम है खुशी मेकओवर। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। आजकल मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आ रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।